और इसलिए हम लोग एक नई फिल्म, दो नई फिल्म अनाउंस कर रहे हैं. एक हमारे ही नोन है राजस्थान के, शरवण जैन जी और उषा जी, उनकी फिल्म रितेश जी साइन किए हैं. और मेरे होम प्रोडक्शन के रितेश जी को और आदित्य जी को हमने साइन किया है. आज ही अनाउंस कर रही हूँ लेमन जूस के लिए. तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा है लेमन जूस. उसके लिए भाषा की फिल्म ये भोजपुरी सर, नाम होगा लेमन जूस जी. और लेमन जूस, लेमन जूस इज ए टॉफी जी. आप एक्चुअली देहात में जाएंगे ना, देहात यानी कि भोजपुरी क्षेत्र में, तो लड़का नीचे से कहता है दादी देना लेमन चूस 5 रुपए के, संतरे के शेप की आती है, चॉकलेट को लेमन चूस बोलते हैं. और दूसरी फिल्म का नाम है ठुमका, जो भोजपुरी में बहुत फेमस है. जो एक ठुमका मारो तो मतलब पूरा बिहार हिलता है. तो वो ठुमका एक फिल्म का टाइटल है हमारा, और एक लेमन चूस तो उसका हम लोग करते हैं. रितेश जी, नेहा जी, आदित्य जी, दो फिल्में जो आप अनाउंस कर रहे हो, जरा डिटेल में एक बार फिर से बताइए इन फिल्मों के क्या नाम होंगे, कॉन्सेप्ट क्या होंगे, जरा ये अलग स्टोरी. सर पहला नाम है फिल्म का, श्रवण जैन जी प्रोड्यूसर हैं, उषा जैन जी प्रोड्यूसर हैं, और उनका नाम है फिल्म का ठुमका जी. ठुमका तो मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो ठुमका मारा जाता है जिससे यूपी बिहार कमर हिलाते हैं उसको, कमर मिलाते हैं वो ठुमका बोलते हैं उसको. शरवण जी आइए ना, ठुमके पे ही फिल्म है. उषा जी आइए, 1 मिनट में आएगा तुम भी यार. रितेश जी आप बोलिए, साउंड कैमरा रोल एक्शन. ठुमका में भी हो जाए. हाँ ठुमका में बोलिए, कैमरा रोल एक्शन. क्या बात, अच्छा ये बोर्ड ठुमका इनके पास है, लेमन चूस उनके पास है, दोनों ने खरीदे हैं अपने. ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ठुमका, और ये प्रोड्यूस कर रही है लेमन चूस. लेकिन दोनों के डायरेक्टर रितेश ठाकुर जी, दोनों के डायरेक्टर रितेश ठाकुर, दोनों के हायर हमको किए हैं. शिव के डायरेक्टर तो सर आप ही हो. आप कब तक ये फिल्में शुरू हो रही हैं जरा रितेश जी और नेहा जी बताइए. अगले महीने. कौन सी शुरू होगी, लेमन चूस या लेमन चूस शुरू होगी? कहां पर शूट की जाएगी सर? सर लोकेशन तो बताऊंगा आपको बाद में. जाना तो लेमन चूस खा के ठुमका लगाना है सबको. लेमन चूस दूंगा, लेमन चूस खा के ठुमका मारेंगे हम लोग. लेमन चूस सर ने सही बोला कि लेमन चूस खाएंगे उसके बाद फिर ठुमका मारेंगे. अरे अनगिनत, हर फ्लेवर का आ जाएगा. लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ना, आपको जितने लेमन जूस आप खाओगे उसके साथ आपको उतने ठुमके मारने पड़ेंगे. स्टारकास्ट के बारे में बताइए नेहा जी, इन दोनों फिल्मों के स्टारकास्ट के बारे में बताइए. जल्द अनाउंस होगा, अभी हमारे इस पे काम स्टार्ट है. स्टारकास्ट हम लोग अनाउंस करेंगे, अभी इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, दिमाग में है, हम लोग इसको अनाउंसमेंट करेंगे. क्यों आप लोग फिर से नहीं आना चाहते? चना जोर गरम वाली टीम में से कुछ रहेंगे लोग? चना जोर गरम वाले में से तो रहेंगे. लेमन जूस में है सर आदित्य ही है ना? है ना लेमन जूस नहीं, अभी कोई फाइनल नहीं है, हम लोग फाइनल करेंगे. फाइनल है अभी, बाकी सारी चीजें जल्द अनाउंस कर. आदित्य नेहा जी की पहली फिल्म में आप थे, अब दूसरी फिल्म में भी काम करने का मौका मिलेगा या मिल सकता है, तो एक्साइटेड है? हाँ बहुत एक्साइटेड हूँ. नहीं आदित्य जी राधे में भी काम कर रहे थे लेकिन डेट्स मैनेज नहीं हो पाई थी, तो इसलिए हम आदित्य जी के साथ अभी और नेहा जी के साथ जो मैंने इनकी एज प्रोडक्शन वाली जो मैंने फिल्म की उसमें काम करने में मुझे बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया कैरेक्टर मिला. और रितेश जी का बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन है और इनका एक बहुत अच्छा विजन है, तो फिल्म बहुत अच्छी बनी, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ. और आगे अगर काम करने का मौका मिलेगा तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. बतौर प्रोड्यूसर कंजूस है? नहीं नहीं, फॉर एन एक्टर या फॉर टेक्नीशियंस, ना खाने पीने का ना रहने का बिल्कुल जो कि ये होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. ये बतौर प्रोड्यूसर बिल्कुल ही कंजूस नहीं है, दिल खोल के पैसा बहाती हैं और इनका उद्देश्य ये होता है कि फिल्म अच्छी बने. तो एज अ प्रोड्यूसर इनको 10 में से 10 मार्क्स दूंगा मैं. लगभग 35 वर्षों से राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री में कार्य कर रहा हूँ. वहाँ मैंने करीब 4 राजस्थानी फिल्में और 137 लोक देवी देवताओं पे लोक कथाएं बनाई हैं. और अभी मेरी एक हिंदी फिल्म आ रही है महावीर स्वामी पे, जो कि 2 घंटे 20 मिनट में 26 स्टोरीज हैं जी. उसके बाद में रितेश जी से मिलने के बाद में भोजपुरी फिल्म बनाने का प्लानिंग किया और आज हम ठुमका अनाउंस कर. भोजपुरी क्यों? मेरी वाइफ धनबाद से है. अच्छा, तो पत्नी के लिए खासतौर पर बनाई जा रही है फिल्म. मैडम सर आपके लिए फिल्म बना रहे हैं, सच में आप खुश हो? क्या कहना कुछ कहना चाहते हो आप?
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि जहाँ जहाँ मैं जन्मी वहाँ के लिए काम करूँगी। अब इससे पहले मैं राजस्थानी फिल्म्स वगैरह सारा किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आप किस तरह से जुड़ी हुई हैं इस फिल्म में? हाँ, प्रोड्यूस मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, इनकी वाइफ हूँ, तो इनको तो बहुत खुश होना चाहिए। आजकल पति कहाँ पत्नी के लिए कुछ करते हैं। एक शाहजहान जी थे जिन्होंने ठुमका पे दीवाना है, इससे बड़ी बात क्या होगी। एक शाहजहान जी थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था और एक ये है जो ठुमका बना रहे हैं जी। और इनसे पहले मैं बता दूं कि उषा जी ऑलरेडी राजस्थान की बहुत बड़ी अभिनेत्री है, जिन्होंने मेरी फिल्म, हम लोगों ने काफी फिल्में साथ में की है। हुकुम भवरी जो मेरी फिल्म आप जानते हैं, उसमें भवरी की में उषा जी भी थी और हम लोगों ने हुकुम भी साथ में की है और अभी ठुमका के लिए जुड़े हैं हम लोग साथ में। तो ठुमका उषा जी काफ़ी अच्छी, मतलब इनका जो डांस है, इनका एक्ट है, मुझे बहुत पसंद है। मैं इनकी फ़ैन हूँ राजस्थान में और ये आई हैं राजस्थान से, अभी मुंबई शिफ्ट हुए हैं और इन्होंने हमारी फिल्म चना चोर गरम देख के भोजपुरी फिल्म बनाने का फैसला किया। तो इसके लिए मैं उषा जी और शरवण जी को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपका स्वागत है भोजपुरी इंडस्ट्री में, कि राजस्थान के प्रोड्यूसर होते हुए, राजस्थान में रहते हुए आपने भोजपुरी के बारे में सोचा। थैंक यू सर। उषा जी भी अभिनय करती हुई नजर आने वाली जी, बिल्कुल उषा जी ही ठुमका मारती हुई नजर आने वाली है फिल्म में। इनके राजस्थान में 1700 करीब गाने हैं और 15-16 राजस्थानी फिल्में हैं और 2 हिंदी फिल्म है, 1 भोजपुरी पहले इन्होंने की है, 3 वर्मा जी की धरती। अरे ग्रेट, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? ओके, हाँ जी, मुझे कुछ कहना है कि आज हमारे यहाँ पे एक खूबसूरत सी अभिनेत्री आई है जिनका बर्थडे है और रूपा जी के साथ हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और शायद प्रिंस जी कुछ कहना चाहते हैं। रितेश जी मुझे बोल रहे थे कि कर्मा इनकी फिल्म है एक रितेश जी के साथ, तो उसके लिए हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और रूपा जी का बर्थडे केक कटिंग करेंगे। ठीक है, दैट विल बी एन अनदर।